एंड उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, इस खोपड़ी को ट्रेन करना होगा। अगर आप इसको ट्रेन नहीं करेंगे नहीं होगा, यही सब है। अगर आपको कुछ करना है तो करना है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेशनिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के कारण आपका हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो एक कमेंट आया था कि एक्सरसाइज करने से हार्ट इंक्रीज भी नहीं होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली, वो ये बात सुन लो, एक्सरसाइज करने से हार्ट इंक्रीज नहीं होता है एंड एक्सरसाइज करने से हार्ट डिक्रीज भी नहीं होता है। तो ये बात कितना सच है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं एंड अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे देन आपके अंदर डाउट रह जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहता, डेडिकेशन नहीं रहता, देन आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये बात सुन लो, जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, अभी मैं डेली हार्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली, ईच एंड एवरी डे। तो मैं पूरा सीरीज डाल रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर कुछ भी डाउट ना रहे। एंड जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत गिल्टी फील करते हैं, उनका हार्ट इंक्रीज हो, बिकॉज आपके कैरियर में हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आपका हार्ट छोटा रहता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए, पर्सनलिटी पूरा हाई रहना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेना। आप लोग इस चीज़ को जरूर मानते होंगे कि इंडिया में मिथ बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, हर घर में अंधविश्वास है। अंधविश्वास के कारण हम लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, गलत सलत चीज़ करते हैं, हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं। एंड अंधविश्वास अगर रहेगा तो हम लोग का पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। तो सेम है हाइट के लिए, अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, जिम जाएंगे, आपका हाइट उठ जाएगा, सुनने को मिलता है। अरे अभी लोड मत उठाओ, अगर तुम बाल्टी हाथ में उठाएगा फिर तुम्हारा हार्ट इंक्रीज नहीं होगा, हार्ट दब जाएगा। तो ऐसा ऐसा लोगों का थिंकिंग है। तो जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं हार्ट इंक्रीज करने के लिए, आप ये चीज़ सुन लो कि जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका बॉडी क्या करता है, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। एंड ग्रोथ हार्मोन आपका बॉडी जितना ज़्यादा रिलीज कर पाएगा, आपका हाइट उतना तेज़ से ग्रो होगा। अगर आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है, बाई चांस अगर बॉडी में थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी है, नहीं कर पा रहा बॉडी, देन आपका हाइट उतना नहीं ग्रो हो पाएगा जितना होना चाहिए। लेकिन आप कभी भी अपना हाइट जेनेटिक पोटेंशियल से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका एक जेनेटिक पोटेंशियल है कि आपका हाइट लास्ट यहीं तक ग्रो होगा, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो इंडियन लाइफस्टाइल है बहुत ख़राब है, हमारा डाइट सही नहीं, हम लोग 100% डाइट नहीं लेते सही। अगर 100% डाइट रहना चाहिए तो हम लोग का 20%, मैं मानता हूँ कि हमारा डाइट 20% है, बिकॉज डाइट का जो मेन चीज़ है प्रोटीन, गुड फैट्स, वो लैक करता है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादा मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे क्या होता है उनका बॉडी प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहा है, जिसके कारण से उनका हाइट रुक जा रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है। इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करता है ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में। एंड आप कोई भी खाना खा रहे हैं सपोज जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट रहता है, तो खाना जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट, उस खाना में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, फिजिकल एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो जो खाना आप खा रहे हैं वो यूज़ नहीं होगा, आपका बॉडी एज ए कचरा उसको फेंक देगा। तो यूज़ करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। सो हाइट को इंक्रीज करने के लिए मेरा जो मानना है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे आपका हाइट इंक्रीज होगा, जरूर होगा, लेकिन हाइट इंक्रीज करने का एक एज रहता है, ग्रोइंग फेज जिसको हम लोग कहते हैं। फॉर बॉयज इट इज 10 to 18 years, फॉर गर्ल्स इट इज 10 to 15 years। यहाँ पे आपका हाइट तेज से ग्रो होता है, आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, आपका हाइट दुगना स्पीड से बढ़ता है। आपका हाइट तो बचपन से बढ़ता है, जब आप जन्म लेते हैं तब से आपका हाइट बढ़ता है, लेकिन उतना तेज से ग्रो नहीं होता, आस्ते आस्ते ग्रो होता है। अगर कोई बच्चा बचपन से सही डाइट लेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा, मैं मानता हूँ उसका हाइट बहुत अच्छा ग्रो होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग अपना जेनेटिक्स भी अच्छा कर सकते हैं। हम लोग का डाइट बहुत दिनों से ख़राब है, जिसके कारण से हम लोग का जेनेटिक्स ख़राब हो चुका है, वही कारण से हम लोग का हाइट उतना ग्रो नहीं हो पा रहा है। एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज, उन लोग का डाइट बहुत अच्छा है, वो लोग कोई भी खाना खाते हैं सबसे पहले उस खाना का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इस खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे बॉडी के सही है ख़राब है, वो लोग देख के खाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं खाते, हम लोग कचरा खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का पेट इंक्रीज होता है, हार्ट इंक्रीज नहीं होता हम लोग का, पेट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो और बीमारियों का भंडार बना रहा है अपने बॉडी में।
आप गलत सलत खाना खाएंगे, आपका बॉडी कैसे सही से काम करेगा अगर आप गलत खाना खाएंगे? गलत खाना खाने से आपका बॉडी प्रॉपरली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको सही खाना खाना पड़ेगा, आपको सही फूड्स का चॉइस करना पड़ेगा जिससे आपका हार्ट इंक्रीज हो सके। और अगर आपका एज अभी 30 साल है, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो सही डाइट ले रहा हूँ, लेकिन मेरा हार्ट क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? भाई हार्ट इंक्रीज करने का एक एज रहता है जिसको हम लोग ग्रोइंग फेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ग्रोथ प्लेट्स वो लॉक हो जाता है, हड्डी लॉक हो जाता है, हड्डी ग्रो होने का जगह नहीं रहता है। अभी अगर आपका हड्डी ग्रो होने की जगह रहेगा तो ग्रो होते रहेगा, अगर ये लॉक हो जाएगा फिर कहाँ से ग्रो करेगा? ये चीज़ वो समझना जरूरी है। तो एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, आप स्विमिंग करते ही करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके घर के आसपास जिम नहीं है, मैंने होम वर्कआउट पे बहुत सारे वीडियोस बनाया है जिससे आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं, घर पर ही वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, करना जरूरी है। अगर आप करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और सेम एक्सरसाइज आपको डेली नहीं करना है, जो लोग डेली स्विमिंग करते हैं, डेली रनिंग कर रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना है, वेरिएशन लाना है। जितना ज़्यादा वेरिएशन लाएंगे उससे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो आप, हमारा बॉडी बहुत चालू है, बहुत सियाना है, क्या होता है प्लेटूट कर देता है, वो समझ आता है कि ये चीज़ डेली करेगा वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्ड करता है फिर रुक जाता है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना है, वेरिएशन लाना है, सेम चीज़ को कभी नहीं करना है, बॉडी को बोका बनाना है। सपोज आपने एक टारगेट बनाया था कि मंडे को मुझे शोल्डर ट्रेन करना है, लेकिन आपने मंडे चेस्ट ट्रेन कर लिया तो आपके बॉडी को शॉक मिला। रेगुलर सेम चीज़ नहीं करना है, आपको वेरिएशन लाना है, उल्टा फुल्टा चीज़ करना है ताकि आपको बॉडी को पता नहीं चले कि करने क्या वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एंड जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता है, आपका बॉडी प्रॉपर स्टेट में रहता है, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। अगर आपका बॉडी अंदर से हेल्दी रहेगा, अगर आपका बॉडी अंदर से हेल्दी रहेगा तभी आपका हार्ट ग्रोथ होगा। अगर अंदर में बीमारी भरा हुआ है, आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, आपका हार्ट कैसे ग्रो होगा? तो बॉडी सबसे पहले हेल्दी रहना जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले आपको डेली लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रॉपर डाइट लेना है डेली, आपको बाहर का जंक फूड्स नहीं खाना है, बॉडी के अंदर कचरा घुसाएंगे तो बॉडी काम नहीं कर पाएगा, मशीन खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। डेली आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने का बहुत सारा फायदा है, जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा, बॉडी अब्सॉर्ब कर पाएगा। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं आपका बॉडी ज़्यादा मसल्स बनाता है, द मोर मसल्स यू हैव इन अ बॉडी योर बॉडी रिलीजेस मोर ग्रोथ हार्मोन। तो कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि जिम जाने से या वेट लिफ्ट करने से तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा, सबसे पहले उससे पूछोगे भाई आपने बताया कैसे, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें साइंटिफिक रीज़न क्या है। वो साइंटिफिक आपको समझा नहीं पाएगा, बिकॉज मिथ अंधविश्वास उन्होंने किसी और से सुना होगा कि वेट लिफ्ट करने से हार्ट इंक्रीज नहीं होता, तो बस ये मिथ। बिल्ली रोड क्रॉस कर जाएगा तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, ठीक है, तुम जो भी काम में जा रहे हो सक्सेस नहीं होगा, भाई भगवान का बना वो भी एक जीव है, तो ये अंधविश्वास है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं सुनना है। और जो भी पूछता बोलता आपको कि एक्सरसाइज करने से हार्ट रुक जाएगा, सबसे पहले उससे पूछोगे आपने बताया कैसे, प्लीज़ एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली, उल्टा सीधा आपको आंसर नहीं देना, साइंटिफिकली समझाओ कि क्यों है, नहीं बता पाएगा वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज ही डजेंट नो। बस उसने किसी और से सुना था कि वेट लिफ्टिंग करने से हार्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो बस उसने बता दिया बस। और जब आप उसके बाद सुन लेंगे आपके माइंड के अंदर आ जाएगा, अरे से यार अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा हार्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो आप फिर और गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप और गड्ढा में घुस रहे हैं। तो आपको गड्ढा में नहीं घुसना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनकर आपको इम्प्लीमेंट करना है और मोटिवेशन लाना है, डेडिकेशन। आपने एक दिन किया, दो दिन किया, नहीं वैसे नहीं चलेगा, लेजीनेस नहीं लाना है। अगर आप लेजी फील करते हैं सबसे पहले उसको दूर करो, एंड उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, इस खोपड़ी को ट्रेन करना होगा। अगर आप इसको ट्रेन नहीं करेंगे नहीं होगा, यही सब है। अगर आपको कुछ करना है तो करना है भाई, कल नहीं आज ही करना है, करना है मुझे, करना तो ही है, तो कल करके क्या फ़ायदा, मुझे आज ही करना है। और कल करेंगे फिर बॉडी में लेजीनेस आ रहा है, तो जो लोग ऐसे करते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। जो करना है सो आज ही करना है, नहीं तो कल नहीं, छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू इट टूडे ओनली। और सही डाइट लेना है, जो करना है करना है, डाइट लेना है इस टाइम पे, इस टाइम पे लेना है, अगर नहीं लिया तो एनी हाउ लेना है। अगर कहीं बाहर जा रहे तो टिफिन कैरी करो, बॉइल्ड खाना ज़्यादा खाओ, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना, मसाला यूज़ नहीं करना है, वो आपके बॉडी के सही नहीं है, वैसे करने से बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। डेली एक्सरसाइज करना है। अगर आप कहीं बाहर पार्टी में गए हैं,
पार्टी से आने के बाद भी आपको एक्सरसाइज करना है, जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज करो, बहाना मत बनाओ, बहाना बनाने से बहाना बन जाएगा, रीजन हजारों रीजन आ जाएगा कि मैंने इसलिए नहीं किया, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए सही है। सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, दैट विल नॉट हेल्प यू। एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा फायदा है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपके अंदर टेंशन होता है, तो एक्सरसाइज करने से वो भी दूर हो जाता है। एंड अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस लेने से आपका बॉडी ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस कर देता है, तो एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस भी घटता है। तो आज ही से करना स्टार्ट कर लो, बहाना मत बनाओ। एंड मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, उनका हार्ट इंक्रीज हो, एंड आप मसल बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका बॉडी ज़्यादा मसल बना पाएगा तो वो आपके लिए सही है। एंड मसल बिल्डिंग करने से आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, आपका घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, आप घर पर ही करो। घर पर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, घर पर तब कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें। मैंने 300 से ऊपर वीडियो बनाया है और होम वर्कआउट पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया, जाकर उसे करो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आई एम टेलिंग यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आप लोग अपना प्यार दिखाओ, मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे फैमिली हो। एंड इतना अच्छा कमेंट्स आता है, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने सोच लिया कि जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, उनका हार्ट इंक्रीज करवाना है, ठीक है, करवाना है। आपको अपने मैक्स जेनेटिक कंडीशन तक पहुँचाना है। अगर आपका जेनेटिक्स ख़राब भी है तो एक तो सर्टेन हाइट होगा जहाँ तक पहुँच सकते हैं, मैक्सिमम वहाँ तक पहुँचाना वो मेरा जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आपको सही से हर चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो आपको बताऊँगा। अगर आपका जेनेटिक्स बहुत ख़राब, इसका मतलब नहीं कि मैं आपको 7 फीट करवा दूँगा, नहीं, बिकॉज जेनेटिक्स से बाहर आप नहीं जा सकते, लेकिन बाय टाइम आप अपने जेनेटिक्स को सही कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू कीप योर लाइफस्टाइल प्रॉपर, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड रेस्ट। रेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू नॉट डूइंग प्रॉपरली इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो वीडियो कहीं पेंट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक करना, कमेंट करना, जितना से कमेंट करना, ठीक है। तो लव यू।